ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में तंबाकू या शराब का सेवन करता है और वो चाहता भी है कि उसका शराब का नशा, तंबाकू गुटखा का नशा छूट जाए, उसने प्रयास भी किया है फिर भी उसका नशा नहीं छूट रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूँ, पर कुछ दिन तो छूट जाता है फिर वापस नशे की लत लग जाती है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि समी वृक्ष के नीचे समी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर समी वृक्ष के नीचे जो उस शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देता है और समीपत समर्पित कर देता है, फिर उसी बेलपत्र को शिवलिंग से वापस उठाकर अपने पास रख लेता है, फिर शमी वृक्ष के नीचे उसी शिवलिंग और शमी पत्र सहित शिवलिंग का विसर्जन कर देता है, फिर उसी दिन उस बेलपत्र को जो आप शिवलिंग से उठाकर वापस अपने पास रख लिए हो, उसी बेलपत्र को घर लाकर जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, उसको 3 दिन तक लगातार, पहले दिन पहली पत्ती बीच की, दूसरे दिन दूसरी पत्ती दाहिनी तरफ की, तीसरे दिन बाएं तरफ की पत्ती, जो एक एक करके 3 दिन तक खिला देता है, तो ये निश्चित है कि वो दूसरी बार नशे में धुत नहीं होगा, उसका नशा छूट ही जाता है। बस 3 या 4 बार कर लो बस, क्योंकि समी व्रत शिव जी का अर्धांग स्वरूप है। हर हर महादेव।